अभी हम इलेक्ट्रिक स्टेशन पे हैं, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन पे। जैसा आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह का होता है। दो गन्स लगी हुई हैं, एक यहाँ पे गन ए और यहाँ पे एक गन बी, और इसकी इंस्ट्रक्शंस कुछ ये दे रखी हैं। चार जोन का है ये। टोल फ्री नंबर पे कॉल करके या इनकी ऐप डाउनलोड करके हमें इनकी ऐप पे बुकिंग करवाना पड़ता है। ये रहा इसका गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर। उसके बाद पेमेंट करके, पेमेंट प्रोसीड करके, बुकिंग करवाने के बाद ही आपकी गाड़ी चार्जिंग पे लगी होती है। तेरी हमारी गाड़ी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी जस्ट मैंने गाड़ी को चार्जिंग पे लगाया है और गाड़ी का चार्जिंग परसेंटेज राइट नाउ इट्स 21%। और ये दिखा रहा है टाइम टू चार्ज इज 1 hour 30 minutes। देखते हैं ये कंप्लीट चार्ज होने में कितना टाइम लेती है। 22%, बहुत ही फास्ट चार्ज हो रहा है। यहाँ पे 50 kilowatt और 30 किलोवाट के चार्जर्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। मैंने गन चार्जिंग ए पे लगाया हुआ है। भाई चंडीगढ़ में एक हमारा चार्जिंग स्टेशन है HP का। अभी अंबाला से टूवर्ड्स चंडीगढ़ आए थे, अब चंडीगढ़ से अंबाला जाना है, बट चंडीगढ़ में एमरजेंसी हो गया और गाड़ी को चार्जिंग पे लगाना पड़ा। बट आप देख पा रहे हैं 22% चार्ज हो गया, 23 हो गया, बहुत जल्दी जल्दी गाड़ी चार्ज हो रही है। बट यही अगर हम घर पे चार्जिंग स्टेशंस अपने इंस्टॉल जो होते हैं कंपनी की तरफ से उसे देखें तो उस पर इतनी तेज़ी से काम नहीं होता। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 23% गाड़ी चार्ज हो चुका है। गाड़ी को अभी बिल्कुल बंद रखा हुआ मैंने। 1% चार्ज होने में अप्रॉक्सीमेटली 1 minute का टाइम लग रहा है इसे, और अंबाला मेरे को पहुंचने के लिए अप्रॉक्सीमेट इसका चार्जिंग 35-40% चाहिए होगा ताकि मैं अंबाला पहुंच सकूं घर तक, फिर घर जाके इसे चार्ज करेंगे। सो ओवरऑल ईवी इतना बुरा नहीं है जितना हम कंसीडर कर रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे चार्जिंग स्टेशन है ये भगत वालों का, भगत सिंह एंड कंपनी, जैसा आप देख पा रहे होंगे कैमरा में अभी। तो यहाँ पे खाने पीने को भी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो अभी जब तक गाड़ी चार्ज होती है हम भी कुछ खा पी लेते हैं यहाँ पर, फिर थोड़ी देर में जब चार्जिंग कंप्लीट हो जाएगा फिर हम घर के लिए निकलेंगे। अब हम दोबारा से अपनी गाड़ी के पास आ चुके हैं। वहाँ पे ज़्यादा कुछ खाने को था नहीं, सिर्फ चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स थे, और कोई पर्सन उधर था भी नहीं उसे पेमेंट लेने वाला। तो हमने बिना कुछ खाए हम अपनी गाड़ी के पास आ गए और देखते हैं कि अपनी गाड़ी कितनी चार्ज है। आप देख पा रहे हैं 1 minute के अंदर अंदर, 1 to 2 minutes में 27% चार्जिंग पे हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है। ये तो बहुत जल्दी चार्ज कर रहा है 50 kilowatt। अभी हमने 50 kilowatt के चार्जर पे लगाया हुआ, आप देख पा रहे हैं 28% 29%। सो 1 hour 30 minutes के अंदर अंदर ये पूरी गाड़ी को चार्ज कर देता है 100% पे। तो इतना बुरा ऑप्शन नहीं है, बट पेट्रोल के कंपैरेटिवली जिन लोगों को वेट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, हाँ उनके लिए ये अच्छा ऑप्शन भी नहीं कह सकते हम। तो 52 किलोमीटर का ये मेरे को दिखा रहा है कि इतना गाड़ी चल जाएगा, बट हम लोग इतना अप्रॉक्सीमेट नहीं चल सकते क्योंकि 10 से 15 किलोमीटर का फ़र्क आ जाता है ड्राइविंग के ऊपर। प्लस अगर गलती से भी ट्रैफिक मिल गया तो हम लोगों को ट्रैफिक को भी कंसीडर करते हुए चलना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 29% चार्ज हो गई है।
एक मिनट से कम टाइम में ये 1% चार्ज कर रही है गाड़ी। अभी गाड़ी टोटली शट डाउन पोजीशन में है, आपको वेट करना पड़ेगा नो डाउट। बट ओवरऑल ईवी का एक्सपीरियंस अगर लोग जानना चाहें कि कैसा रहा तो बुरा नहीं है, बट बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। सिर्फ एक इसका जो लैग लगा मेरे को कि आपको चार्जिंग स्टेशंस ढूंढने पड़ते हैं। अभी मेरे को कम से कम भी 10 से 15 मिनट हुए चार्जिंग स्टेशंस ढूंढते हुए, पूछते हुए हमें ये भगत सिंह एंड कॉरपोरेशन का मिला चार्जिंग स्टेशन नियर बाय सेक्टर 17। आप देख पा रहे हैं यहाँ से वो ओएस्ट रेस्टोरेंट है, तो इसके बिल्कुल पास 30% चार्जिंग कंप्लीट हो गया है। अभी हम वेट करेंगे, इसको चार्ज होने देंगे सो दैट ईज़िली जब पैसे खर्च करें हैं तो पूरा फ़ायदा उठाएं और चेक करें कि ये कितना एफिशिएंटली गाड़ी को चार्ज कर रहा है। अब तो मैं सोच रहा हूँ घर पे भी एक चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल करवा लिया जाए सो दैट लोगों को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, बिकॉज अम्बाला में तो एक भी चार्जिंग स्टेशन नहीं है अभी तक। चंडीगढ़ वालों के लिए थोड़ा एडवांटेज है। देखें कितना चार्ज हुआ। अभी आप देख पा रहे होंगे कि सिर्फ और सिर्फ 2.92 किलोवाट आर हमने यूज़ किया, और मैंने जो पेमेंट किया था अराउंड 20 किलोवाट्स का कर दिया था। 20 किलोवाट आर में तो आई थिंक ये पूरा का पूरा ही चार्ज हो जाएगा। तो हमारा गन ए पे कनेक्टेड है और आप देख रहे होंगे गन बी जो है वो एम्प्टी है। अभी सिर्फ 3 यूनिट कंज्यूम हुई है। 3 यूनिट में हमारी गाड़ी 19 से 32 तक आ चुकी है। अप्रॉक्सीमेटली 14% बैटरी चार्ज हो गई है 3 यूनिट्स के अंदर। तो यहाँ से हम एग्जैक्टली देख सकते हैं कि कितना यूनिट कंजम्पशन जा रहा है, 14% 3 यूनिट। और 14% में ये अप्रॉक्सीमेटली हमारी जो गाड़ी चलती है, आप ले सकते हैं एक यूनिट के अंदर 2.5 किलोमीटर्स के आसपास ये गाड़ी हमारा चल जाता है। 2 to 2.5 एग्जैक्टली आप बोल सकते हैं, बट अगर आप एक्सेलरेट बहुत ज़्यादा करेंगे तो ये वेरी कर सकता है, 1 किलोमीटर पे भी आ सकता है 1 यूनिट। तो गाड़ी का आरपीएम जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। गाड़ी 1% बैटरी में आप 2.5 किलोमीटर्स का एवरेज कम से कम निकाल पाएंगे अगर आरपीएम 1 और 2 लेवल पे ही है तो। अगर आरपीएम का लेवल 3 to 4 चला गया तो ये जो गाड़ी एवरेज है वो बहुत कम देगी। एक यूनिट में 1% में सिर्फ 1 किलोमीटर ही चल पाएगी। अभी 2.5 किलोमीटर चलती है जिस एवरेज में हम लोग काम करते हैं। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अभी 3.5 किलोवाट आर हमने यूज़ कर लिया है और अप्रॉक्सीमेट मैं 20 किलोवाट आर का रिचार्ज करवा चुका हूँ। और उस रिचार्ज में मेरा जो कॉस्ट आया है अप्रॉक्सीमेट 250 रुपये के आसपास का कॉस्ट मैंने पे किया है। अभी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे करना है। ये जैसे आप देख पा रहे होंगे ये एक चार्ज जोन कंपनी है, इस कंपनी ने इसको यहाँ पे इंस्टॉल किया है। मैंने गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल किया इसका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में जा कर के आपको पम्प चूज़ करना है। पम्प चूज़ करने के बाद अपना सारा का सारा प्रोफाइल सेट करना है। प्रोफाइल सेट करने के बाद आप क्या करेंगे कि गाड़ी चूज़ करेंगे कौन सी है और वहाँ पे कितने आपको चार्जिंग करना है, कितने किलोवाट आवर का चार्जिंग करना है। और उसको करने के बाद आप पेमेंट मोड पे जाएंगे, गूगल पे, पेटीएम, मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस हैं यहाँ पे, बहुत ही अच्छा है। तो वो पेमेंट करने के बाद आप गाड़ी को अपना चार्जिंग पे लगा सकते हैं। उससे पहले ये गन आपका निकलेगा भी नहीं। जैसे मैं आपको ये निकाल के दिखाता हूँ ये नहीं निकलेगा क्योंकि इसके लिए गन बी मोड पे जाके मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड जल्दी ही गाड़ी जैसे ही हमारी चार्ज होती है वैसे ही हम अम्बाला के लिए निकलेंगे और फिर गाड़ी की मैं आपको एवरेज दिखाऊंगा एक बार
कि कितना ये गाड़ी चार्जिंग में टाइम ले रही है। अभी आप देख पा रहे हैं, अभी हम 3 kWh यूज़ कर रहे थे, अब 4 kWh हमारी 4 units, ये kWh मतलब यूनिट्स होता है, 4 kWh यूज़ हो गई और 4 kWh पे देखते हैं कितना गाड़ी चार्ज हुआ है अभी तक। 36% पे चार्जिंग आ गई है, जैसा आप देख पा रहे होंगे अभी मीटर में। हमारी ये जो गाड़ी है टाटा टियागो ईवी, ये है सिर्फ प्लांट ट्रिप्स आप इस पर जा सकते हो, और अगर बीच में चार्जिंग स्टेशंस हैं तो यू कैन गो फॉर द अनप्लान्ड ट्रिप्स आल्सो, बट अगर चार्जिंग स्टेशंस नहीं हैं तो आप इसे गाड़ी को थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, बट उसके लिए भी एक टाटा कंपनी ने ऑप्शन दिया है। वो ऑप्शन ये है कि कंपनी वाले एक चार्जर देते हैं, इसमें हमारा चार्जर ये अंदर पड़ा हुआ है, ये है हमारा पोर्टेबल चार्जर, यही हम घर पे इससे चार्ज करते हैं, और ये स्लॉट है। तो ये जो चार्जिंग है ये हम कहीं भी किसी भी रेस्टोरेंट पे अगर खाना खाने रुकते हैं तो इस चार्जर को इंस्टॉल कर सकते हैं। नॉर्मल जो 15 एम्पेयर का सॉकेट हमारे घरों में यूज़ होता है, और ये 5 एम्पेयर पे भी लग सकता है, बट उसके लिए हमें एक कन्वर्टर का ज़रूरत पड़ेगा। अब ये कन्वर्टर को हम ऐसे लगा सकते हैं अपने सॉकेट के अंदर। 5 to 15 एम्पेयर का मैंने कन्वर्टर ले रखा है, क्योंकि हर जगह ज़रूरी नहीं है आपको 15 एम्पेयर का सॉकेट मिल जाए। तो लास्ट टाइम जब हमें इमरजेंसी हुई थी तो मेरे को ये लोकल सा लेना पड़ गया था। तो 15 एम्पेयर का स्विच आपको अवेलेबल चाहिए कहीं जहाँ पे भी आप रेस्टोरेंट पे रुकते हैं आधा एक घंटा खाना खाने के लिए, या फिर आपको कोई ना कोई नियर बाय चार्जिंग स्टेशन चाहिए, जैसा कि हमें मिल गया अभी। और अब 4.61 आप रीडिंग देख पा रहे होंगे, तो गाड़ी की चार्जिंग परसेंटेज भी हम चेक करते रहेंगे साथ साथ। 38% चार्ज हो गया है और 72 किलोमीटर्स का माइलेज ये दिखा रहा है। इतने में हम थोड़ा घूम फिर के आते हैं, तब तक हमारा गाड़ी चार्ज होता है। और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो जो ईवीज व्हीकल्स हैं, जो आप व्हीकल डालेंगे उसे हम लेंगे और उसका रिव्यू अपने चैनल पे पोस्ट करेंगे, क्योंकि ये भी एक तरह के इलेक्ट्रिक गैजेट्स ही हैं। सो हमारा चैनल है इलेक्ट्रिक गैजेट शो, सो द गैजेट शो इंडिया। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, थैंक यू। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ स्टेटस में फिनिश आ गया, मैंने सिर्फ 10 kWh का पेमेंट दिया था। तो अब इस गन को ही चेक करने का टाइम आ गया। हमारी गाड़ी थी 19% चार्ज, अब आप देख पा रहे हैं 59% चार्ज हो गई है और 112 किलोमीटर का रन अप ये निकाल सकती है। हमारे यहाँ पे एक बटन होता है गन को निकालने के लिए, ये बटन दबाया और अब गन इजेक्ट हो जाएगी, अदरवाइज वो इजेक्ट नहीं हो सकती थी। अब देखिएगा इजेक्ट हो गई आराम से, इस गन को हम वापस इसकी जगह पे लगा देते हैं। गन बहुत हैवी है, ये लग गया गन, और घर पे जब हम चार्ज करते हैं तो सिर्फ ये चार्जर होता है, बट जब हम पेट्रोल पंप्स पे या इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस पे करते हैं तो ये ड्यूअल चार्जर कनेक्ट हो जाता है। अब हम चलते हैं अम्बाला की ओर अपने घर, और आपको एक बारी और दिखा देता हूँ। 59% चार्ज, 112 किलोमीटर का रन अप दिखा रहा है। जो आज हमने माइलेज इसका टेस्ट किया है, उस माइलेज के अकॉर्डिंग आप कमर्शियल भी अगर हम हिसाब लगाएं तो लगभग कमर्शियल चार्जिंग पे अभी हमारा 250 rupees 247 point something, और 10 यूनिट हमारी लग गई। तो उसमें अगर हम देखें तो कमर्शियल थोड़ा महंगा पड़ता है, 2 रुपये पर किलोमीटर,
अगर हम यही घर पे चार्ज करें तो एक यूनिट में ये 4% चार्जिंग लेता है, और 4% चार्जिंग में ये नियर बाय 9 से 10 किलोमीटर चलती है। तो अगर वो हिसाब लगाएं हम, तो 8.5 रुपये यूनिट है हमारा घर पे, तो 8.5 रुपये यूनिट के हिसाब से ये 9 से 10 किलोमीटर चल रही है, तो इंक्लूडिंग द मेंटेनेंस कॉस्ट 1 रुपये पर किलोमीटर का कॉस्टिंग आता है इस पे। तो आई थिंक ये बाइक से भी बहुत बेटर ऑप्शन है। तो यू मस्ट सपोर्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, और आप बेझिझक होके इसे परचेज़ कीजिए, कोई प्रॉब्लमेटिक केस नहीं है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए।